भाई सबसे पहले तो आपको बताऊं कि वो मैच आप किसी भी क्रिकेट फैन को 100 मरतबा भी दिखा देंगे ना, तो वो 100 मरतबा एक ही रिजल्ट निकालेगा। वो ये निकालेगा कि इंटेंट टू प्ले विद स्पिरिट वाज नॉट देयर। अब मैं नहीं जानता कि उसके उसके रिजल्ट से किसको क्या फायदा मिला, किसको नुकसान मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कतन उस मैच की वजह से बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली थी 2019 में, और हम लोग अपनी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर हुए। तो मैं कभी भी अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर नहीं डालता, या अपने फेलियर को दूसरे पे नहीं डालता। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक मैच के रिजल्ट की वजह से हम लोग बाहर हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन अगर मैं एज ए फैन उस मैच को देखूं, क्योंकि मैंने वो पूरा मैच देखा हुआ है, वो वाला ये मैच जिसकी बेन स्टोक बात करते हैं। अब बेन स्टोक ने इसके बारे में अपनी किताब में बयान किया या पहले क्यों नहीं किया, ये इसके बारे में वो बता सकते हैं। लेकिन मेरे नजदीक जरूर उस मैच के अंदर जो इंटेंट था वो मैच जीतने का किसी भी लम्हे नजर नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या होगा, क्या होना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन एक फैन होने के नाते मुझे तकलीफ जरूर हुई थी इस खेल के साथ, जब मैं इसको इसको मैंने खेला भी है, इसको देखता भी हूँ, दुनिया के तमाम प्लेयर्स को फॉलो भी करता हूँ। तो इसको उस मैच को लेके जरूर मुझे एज ए फैन जरूर तकलीफ हुई थी, क्योंकि उसमें वो इनकाउंटर नजर नहीं आ रहा था कि दो टीमें खेल रही हों और दोनों जीतने के लिए खेल रही हों।